सावधान, आप सभी से निवेदन, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ गंदे शब्दों का उपयोग किया गया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हमेशा से कैसे रहे हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब से पुलवामा हमला हुआ तब से इन दोनों देशों की चर्चा पूरी दुनिया में चालू है। और अगर इन दोनों देश में युद्ध होता भी है तो ये बात सभी जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये भी सब जानते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर कुछ न्यूज रिपोर्टर के कुछ बोल आपको दिखाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं खुद भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इतनी बड़ी न्यूज रिपोर्टर अगर किसी न्यूज चैनल पर ऐसा कहे तो सोचिए उसे हम क्या कह सकते हैं। नंबर दो, कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ, वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई, तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से बोलो। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? इस वीडियो को देखने के बाद ये बात तय हो गई है कि इन लोगों को ये भी समझ नहीं है कि कहाँ झगड़ना चाहिए और कहाँ नहीं। ये जनाब तो टीवी न्यूज में एक लेडी न्यूज रिपोर्टर के साथ ऐसे झगड़ने लग गए जैसे मानो अपने घर पर अपनी बीवी के साथ लड़ रहे हो। इसके ऊपर से समझ आता है कि ये लोग कितने समझदार हैं। नंबर तीन, अब जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आपको बजरंगी भाईजान मूवी की याद जरूर आ जाएगी जिसमें इसी सीन को दर्शाया गया है, जिसके देखने के बाद आपको भी बात समझ में आएगी कि आखिर क्यों इस फिल्म में इस सीन को दर्शाया गया। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान के लोग कितने समझदार होते हैं। फ्रेंड्स, इसको पूरा देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा विवाद होता आया है। मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।